respected teachers and my dear friends, a very great morning to all of you. Great morning, Himanshi. I am Himanshi from 10th grade of DR Memorial Public School. Today I am going to teach you about the chapter 5 of our math textbook. The name of the chapter is Arithmetic Progression. First of all, a question arises, what is an arithmetic progression? An arithmetic progression is a sequence of numbers such that the difference between the consecutive terms is constant. एक arithmetic progression क्या होता है? वो एक sequence होती है number की. इस तरह से pattern होता है number का कि जो उनके बीच में difference हो, तो लगातार जो term है वो same हो. For example, 4, 8, 12, 16, 20 and so on. अब इसमें ये एक arithmetic progression है, API. हम कैसे कह सकते हैं? जैसे 8 माइनस अगर हम 4 करें तो 4, 12 माइनस 8 4, 16 माइनस 12 4, 20 माइनस 16 4. तो यहाँ पे जो ये डिफरेंस आ रहा है कॉमन, ये सेम है. इसको हम डिनोट करते हैं D से. तो D हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस. अब यहाँ पे जो ये नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं टर्म्स. जैसे कि हमारा फर्स्ट नंबर है तो हम इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म. ऐसे सेकंड नंबर सेकंड टर्म, थर्ड नंबर थर्ड टर्म, ऐसे ही. तो अब हम इसको हम डिनोट करते हैं टर्म्स को लेटर ए से. तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है ये हमारी, तो इसको हम ए वन डिनोट करेंगे. ऐसे सेकेंड टर्म जो हमारी ए टू, ए वन जो है हमारी फर्स्ट टर्म, ए टू सेकेंड टर्म, ऐसे ए थ्री, ए फोर, ए फाइव. अब इसमें हमारी जो लास्ट टर्म आ जाती है, जैसे मान लो ये ए थ्री जो है हमारी ए टी पे फिनिश हो जाती है. अब इसमें हमारी लास्ट टर्म है, इसको हम डिनोट करते हैं ए एन से. एन हमारे यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स. तो जो हमारी लास्ट टर्म होती है उसको हम डिनोट करते हैं एन से. इसको हम एक लेटर से और डिनोट करते हैं जो कि है एल. एल और एन सेम होता है. उसके बाद आ जाते हैं हमारे फॉर्मूले. अब जैसे कि कॉमन डिफरेंस है, अगर हमें ये निकालना है इसे, तो हमने क्या किया था? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दी, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दी. तो यही हमारा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा. तो b इज इक्वल टू a2 माइनस a1, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a3 माइनस a2. ठीक है. उसके बाद अगर हम मान लो फर्स्ट टर्म ले दी और डिफरेंस दे दिया कि इसमें 4 का डिफरेंस है, तो हम आगे के टर्म्स कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म हमारी a ही रहेगी. अगर हमें सेकंड टर्म निकालनी है तो हमने क्या किया था? सेकंड टर्म में से जो डिफरेंस हमारा था उसको माइनस कर दिया था. तो ऐसे ही हम इसको फर्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे. तो a प्लस बी, जैसे कि a हमारी 4 है और डिफरेंस भी 4 का ही है, तो ये 8 हो गया. तो ये हमारी सेकंड टर्म आ गई. इसी तरह से अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो a प्लस 2d, फोर्थ टर्म निकालनी है तो a प्लस 3d. इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो हम अगर हम 3 माइनस 1 कर दें तो 2 आ जाएगा. फोर्थ टर्म निकालनी है, 1 माइनस कर दें 3 आ जाएगा. इसी तरह से हम इसकी टर्म्स निकाल सकते हैं. उसके बाद आ जाती है लास्ट टर्म की बात. अब हम इसको कैसे निकालेंगे? टर्म होती है लास्ट टर्म, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो है a प्लस n माइनस 1 d. ये जैसे हमने इसमें 4 है, 4 टर्म, तो माइनस 1 किया था तो 3 आ गई थी. ऐसे ही हमारे नंबर ऑफ टर्म्स है तो यहीं पे भी हम n माइनस 1 d कर देंगे. Now the next topic is general form of AP.
general form of amine. This is the general form of the amine. जैसे हमने स्पिन को निकाला है तो ये हमारी जनरल फॉर्म होती है एपी की. तो ऐसे फर्स्ट टर्म हमारी ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी. तो यही हमारी जो है जनरल फॉर्म हो जाती है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपी. एपी के अब दो प्रकार आ जाते हैं. द फर्स्ट वन इज फाइनाइट एपी एंड सेकेंड इज इनफाइनाइट एपी. तो फाइनाइट एपी कौन सी होती है, जैसे कि हम ले लें 2, 4, 6, 8, 10, ये 10 पे ही खत्म हो रही है. या फिर ये आगे जैसे 42 पे खत्म हो जाए. तो दिस इज आवर फाइनाइट एपी. इसकी हमें लास्ट टर्म पता है. Now what is infinite AP? So infinite AP जैसे कि अब यही हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10. अब ये इसकी हमें last term नहीं पता, ये continuous है, ये चलती जा रही है. तो ये हमारी होगी infinite AP. लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज सम. अगर जैसे कि ये एपी है, अगर हमें इसको ऐड करना है तो हम इसको 4+8+12+16 ऐसा ऐड करेंगे तो ये बहुत लंबी हो जाएगी. तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है सम का. फॉर्मूला ऑफ सम. यहाँ पे जो एस है ये क्या डिनोट करता है, सम को. एन नंबर ऑफ टर्म्स, ए हमारी फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी इज कॉमन डिफरेंस. There are two formulas of sum. This is long formula and there is a short formula also. If we expand this, अगर हम इसको अलग अलग कर दें तो ये हो जाएगा n by 2 a plus n minus 1 d. अगर हम इस a को छोड़ दें तो ये जो है हमारा formula बन जाता है an का, last term का. तो इसी तरह से हम सम को लिख सकते हैं n by 2 a plus an. an यहाँ पे हमारी लास्ट टर्म होगी. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a plus l, क्योंकि l भी जो है वो हमारी लास्ट टर्म को ही डिनोट करती है. तो जहां पे हमें कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स ये दी चीजें दी हुई हो तो वहां पर हम लॉन्ग फॉर्मूला का यूज करेंगे, और जहां पर हमें सिर्फ लास्ट टर्म दे दी हो तो वहां पर हम शॉर्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में इतना ही है. टुडे आवर टॉपिक इज ओवर. नाउ यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है आज का खत्म होता है. थैंक यू एवरीवन. विश यू अ ब्लेस्ड डे.